नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गन्स या रोज़ेस? कुत्ते थे वो शबाना। बहुत दर्द हो रहा है यार। मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। तुम दोनों को यहाँ से भागना चाहिए। मेरे चाचा बहुत खतरनाक इंसान है। पर शबाना, तुमने हमें पहले बताया नहीं कि तुम्हारे चाचा एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। एग्जैक्टली, इस नरक में तो नहीं फंसते। बताती तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करते, बताती तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऋषि तुम्हें कहना चाहता था कि अगर पता होता तो हम चाचा से कहते सरेंडर करने के लिए। वही 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 वही। संदेश ने भी यही कहा था। संदेश? लेकिन लेकिन अगर चाचा को पता चल गया तो? पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन तुम दोनों वो गलती मत करना जो प्रथमेश ने की थी। प्रथमेश? तुम दोनों को मेरे बारे में भूलना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चाचा मुझे मार डालेंगे। और मुझे क्या करेंगे? क्या तो फिर भाग जाओ ना। ग्रेट आइडिया, मैंने यहाँ पर एक खिड़की देखी है, मैं वहां से कूद के भाग जाता हूँ। ओके हाँ, चल भाई। बाय बाय। बैड आइडिया। क्यों? आदेश ने भी यही गलती की थी। आदेश? हाँ तो फिर तुम ही बताओ ना कि सही ऑप्शन क्या है। हाँ। तुम दोनों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ग्रीस? ग्रीस? हाँ। ग्रीस क्यों? वो एक ही जगह है जहाँ पे चाचा जी की पहुंच नहीं है। अरे लेकिन तुम्हें पता है ग्रीस कितनी दूर है, ऐसे कैसे ग्रीस चले जाएंगे? उसके लिए तो मुझे स्वदेश को कॉल करना पड़ेगा, उसकी ट्रैवल एजेंसी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे पता नहीं कि वो जिंदा है कि चाचा ने उसे। शबाना रोना मत, रोना मत। चाचा हेट्स। शबाना प्लीज देखो, रोते रोते बाहर मत जाना, और अगर रोना आए भी तो अंदर ही अंदर रोना। पर शबाना, स्वदेश, आदेश, संदेश, प्रथमेश कौन है बताओ? बलविंदर का नाम लेना भूल गई। बलविंदर? ये सब शबाना पे मरते थे और अब मर गए। ट्रेनिंग में नाकामयाब रहे तो चाचा ने जिंदगी से बेकाम कर दिया। खैर, रात में मरे मुर्दों का नाम नहीं लेते। तुम लोग चैन से सो जाओ। चैन से? हाँ, कल बहुत भारी दिन है। अगर गाड़ी स्टार्ट कर लो। और सुनो, मुंह नीचे करके खड़े रहो, यहीं कोई पहचान ना ले। यही रहता उस्मान छक्का। उस्मान छक्का? चचा का खास आदमी था। एक दिन पिछवाड़े में छुरा भोग कर तकिया लेकर भाग गया। समझ रहो, वही तकिया तुम लोग को लेके आना है। जाओ। तकिया मतलब पिलो? यस। आप हमको इतनी दूर तकिया लेने को लाए? यस। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं नया तकिया ले आता हूँ ना चोर बाजार से, मैं भी चलता हूँ इसके साथ। चला, चचा का खास तकिया। वो चाहिए तो चाहिए, बात फिनिश। जाओ उस्मान छक्के से तकिया लेके आओ, जाओ। उस्मान छक्का के सच्ची में यूनक है? क्या बोला रहे? वो पूछ रहा है क्या उस्मान हिजड़ा है। प्लॉट नंबर 3, बंगलो नंबर 3, 3x3 छक्का, आई मीन सॉरी 6। गुड, जाओ जाके लेके आओ। होशियारी की ना तो आप नहीं चलेंगे साथ में? मुझे पहचानते हैं, मैं गया तो भारत पाकिस्तान मैच हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे? अबे यहीं पे। वो जी, उस्मान भाई कहाँ है? उस्मान भाई बहुत खतरनाक है यार, नाम लेते ही लोग रोने लगते हैं। चुप बे, लगता है किसी की डेथ हुई है अंदर। चल, अरे बहन जी, वो उस्मान भाई कहाँ है?
क्या हुआ, आप रो क्यों रही? हेलो, क्या पे क्या किया तूने? कुछ किया नहीं भाई साहब, मैं खाली बहन जी से पूछ रहा था उस्मान भाई का है। उस्मान भाई? हाँ। वो तो चले गए। वो देखो वहाँ बच्चों की तरह सो रहे। अरे उस्मान भाई, अरे खुदा को भी आपको आज ही उठवाना था। अरे जाते जाते कम से कम बता के तो जाते। अरे उस्मान भाई मैं नहीं, अंदर है। सॉरी हाँ, उस्मान छक्का किधर है? अबे उस्मान छक्का तो मर गया, लेकिन इन सब तकियों में से अपना तकिया कौन सा है? ये आंटी हंस रही है, रो रही है? कैसे हो भाई लोग? सलाम आंटी। सलाम। अबे आंटी होगा तेरा बाप, मैं हूँ। मैं भी मैं ही हूँ। मैं नहीं, अभी जो ड्रॉप किया था मुन्ना। मिसेस मुन्ना, नमस्ते। नमस्ते। आपके हस्बैंड आज सुबह आए थे यहाँ पे। हाँ, उस मैयत में निकाह पड़ रहा है। मुन्ना भाई, आप यहाँ? मामला टेढ़ा हो गया, उस्मान भाई खाके सुपुर्द हो गए। तो प्लान कैंसिल? हाँ। तुझे बड़ी जल्दी रहती है, प्लान कैंसिल। ये ले प्रोग्राम शुरू। आखिरी उल्टी इसी तकिए पे की थी उस्मान भाई ने। इसे भी उन्हीं के साथ रख देते हैं। अरे भारी है तो मुझे दे दे बेटा, यही तो वो तकिया है। वो यही है वही। ये लो लपेटो। अबे डकैत पिक्चर की शूटिंग करने नहीं आए तुम लोग, मैयत में आए तो सर पे लपेटो। सुनो, यही वेट करना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। उस्मान भाई, ये आपका तकिया जो आपको बहुत प्यारा था, आपके साथ ही रख देता हूँ। ओ जिंदगी का इल्म हमने मर के ही जाना। भाई चलो चलो, उठाओ भाई। अरे आपसे बोल रहा हूँ, उठाओ भाई, उठाओ, आप भी उठाओ। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है? मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। चाचा है ना, चाचा, चाचा को तो आप जानते होंगे सर। चाचा बहुत खतरनाक है सर। ये चाचा वाचा सब लोग है ना, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए सर। चाचा ने अपने दो खतरनाक आदमी मुन्ना और ऋषि उनके साथ मुझे भेजा सर, उस्मान के कफन से कोई तकिया निकाल के लाने के लिए सर। मेरी शक्ल देखे मैं आपको गुंडा लगता हूँ, मैं खतरनाक नहीं हूँ सर, लेकिन चाचा बहुत खतरनाक है। हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले। चाचा का इन सब में क्या लेना देना है? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, चाचा का और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है, मुझे से फंसाया गया। मैं आपकी मदद चाहता हूँ सर, प्लीज। ये सारा प्लान है ना, प्लान वो ऋषि का है सर, ऋषि का। ऋषि और मुन्ना कफन को उड़ा के लेके गए, गाड़ी में डाल के भाग गए। मैं तो कहता हूँ सर, ऋषि को उम्र कैद की सजा हो जाएगी। एक मिनट, जब वो गाड़ी लेकर भाग गए, तुम कैसे बच गए? मैं गाड़ी में चढ़ा ही नहीं सर, मैं आपके पास भाग के आ गया, लेकिन उस्मान के लोग गाड़ी के पीछे जाने के बजाय मेरे पीछे आ गए सर। ये उस्मान कौन है? उस्मान वो जो कफन में, कफन जो गाड़ी में, गाड़ी जो मुन्ना के पास है, मुन्ना चाचा का आदमी है। बस बस बस, तुम सच बोल रहे हो ना? आपकी मम्मी की कसम मैं सच बोल रहा हूँ सर। ओके, डन। आपका तकिया। ओए केले के छिलको, सबसे पहले तो ये बताओ कि किसके सुपर माइंड में जनाजे को हाईजैक करने का आइडिया आया था? शशांक अंकल, मैं, इट्स मी। ओए छिलको से तू? कसूर नहीं खाता क्या तू आजकल? तेरे नाम के आगे मिलिट्री है, इसका मतलब ये है कि तू मेरे दोस्त की डेड बॉडी को सड़कों पर परेड कराएगा। गलती हो गई, प्लीज। वो गलती तुझसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है। मुझसे, 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 मुझसे। चाचा को जब भी गुस्सा आता है, चाचा अपने चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे। कमाल है, जब गुस्सा आता है तो खुद को मारती, और जब प्यार आता है तो हमको मारती। चाचा एक बार सुन तो लो, उस्मान अंकल के मरने की इतनी तकलीफ होगी आपको, हमें मालूम न था। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, ठीक। तकिए पे सर रखने से गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हुआ है। पानी पीजिए। तेरे को लगी तो नहीं? चाचा अंकल, आप प्यार से थप्पड़ क्या कुछ भी मार लेंगे चलेगा। ओ खुश किता है, ओ खुश किता, ओ खुश किता, ओ खुश किता। बल्ले ओए बल्ले,
अब फेंक दे, हीरे नहीं तकिया फेंक। लो चाचा आ गया आपका हीरो। चल चाचा मैं परेशान क्या, चल चल चलाओ सीधा। चाचा जी नहीं, बादाम पुत्र कमाल कर दिया, मतलब कमाल ही कर दिया तूने तो। वो क्या कारनामा करके दिखाया है। मैंने क्या? वो मुझे पता था मेरा बादाम कड़वा हो ही नहीं सकता। अच्छा। और मिल्ट्री इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इधर आना, इसने मेरे को है ना पुराने दिनों की याद दिला दी है, जब मैं भी गैंगस्टर बनने का कोर्स कर रहा था। 1973 की बात है, बरसों हुआ बीच पर हमारा कंसाइनमेंट लैंड करने वाला था, याद है तेरे को? वो याद है यार, दुश्मन गैंग ने हमारा कंसाइनमेंट लूटने के लिए हम पे अटैक कर दिया था। मैं चकमा देने के लिए गड्डी लेके भागा था, वो भी मेरे पीछे भागे थे, याद है तेरे को? याद है यार। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में घुस गया था, वो भी मेरे पीछे घुस गए थे, उनको लगा कंसाइनमेंट मेरे पास है, लेकिन कंसाइनमेंट तो मेरे बंदे पहले से ही लेके रफू चक्कर हो गए थे। याद है तेरे को? ओ कब जी? याद है, कितना डेयरिंग काम किया था मैंने। ओ पुत्र, सेम टू सेम डेयरिंग काम करके तूने आज हिस्ट्री को रिपीट कर दिया है गोल्डन वर्ड्स में। आज से शबाना का हाथ तेरे हाथ में आने के चांसेस ब्राइट हो गए हैं। अब उतर पप्पी दे यार। ओ क्या बात है, तेरी पप्पी में फीलिंग ही नहीं है। कैसे होगी फीलिंग चाचा जी, कैसे होगी? सॉरी चाचा जी, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इस शाबाशी का हकदार मैं नहीं कोई और है। कौन है? ऋषि मुनि मल्होत्रा। पर ऋषि लोग तो मुनि होते हैं। मल्होत्रा होते हैं चाचा जी, मल्होत्रा। अरे यार ऋषि तू चुप क्यों है, चुप क्यों है तू? बता दे चाचा जी को कि ये सारा मास्टर प्लान तेरा था। क्या बकवास कर रहा है? बकवास बकवास, सिचुएशन में फंस गए थे हम लोग चाचा जी, मुझे तो लगा था कि हम लोग इसमें से निकल ही नहीं सकते, लेकिन ऋषि क्या दिमाग पाया तूने ऋषि, मजा आ गया। बता बता दे चाचा जी को कि कैसे तूने मुझसे कहा था कि मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊं ताकि तुम लोग तकिया लेके चाचा जी के पास पहुंचो। बता देना चाचा जी को कि उस्मान के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करने का सारा मास्टर प्लान तेरा था मेरे दोस्त। मेरा था कि तेरा था? गुस्सा? अरे यार एग्जीक्यूशन मेरा था, लेकिन बेसिक प्लान तो तेरा ही था ना, और तेरे आइडिया का क्रेडिट मैं कभी नहीं ले सकता ऋषि। काजू पुत्र, ये आइडिया तेरा था और तू चुप खड़ा है, नहीं सैक्रिफाइसिंग नेचर कहाँ से सीखी तूने? बचपन से चाचा जी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये प्यार जो आप मुझ पर बरसा रहे थे इसका असली हकदार ऋषि है। ओ जिंदा रहे पुत्र, ओ जिंदा रहे। ओ मुझे पता था बादाम तो फिर भी कड़वा हो सकता है, लेकिन काजू तो लाइफ में कड़वा नहीं हो सकता। ये कह रहा है ऋषि गले मिल चाचा जी के, देखता नहीं चाचा जी कितने खुश हो रहे हैं। ओ पुत्र, ओ जब शबाना को पता चलेगा तो कितनी खुश होगी वो। ओ यार मुझे तो पहले से ही पता था ऋषि लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ओ हाथ हटा ले पुत्र, मुझे अपनी खुशी जाहिर करने दे। प्लीज पुत्र, प्लीज पुत्र, प्लीज पुत्र। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे ऋषि ले चिकन लेना। नहीं थैंक यू। अरे थैंक यू क्या है, लेग पीस लेना, खास तेरे लिए बचा के रखा है मैंने, ये ले। और रायता, ओ यार रायता तो खत्म हो गया। अरे भाई साहब रायता लाना, रायता। बस कर अपनी चापलूसी, तेरी औकात पता चल गई है मुझे। भागने की कोशिश करता है और चाचा से कहता है मेरा आइडिया था, कमीने। तू सही कह रहा है ऋषि, मैं बहुत ही कमीना घटिया और तुच्छ किस्म का इंसान हूँ, तेरी मेरी क्या बराबरी यार। मैंने बहुत सोचा ऋषि, आई ने रियलाइज कि मुझसे ज्यादा तू डिजर्व करता है शबाना को और तू आजादी को। हाँ मैं सड़ू इन लो क्लास भाई लोगों के बीच में और तू बाहर ऐश से सिविलियंस की लाइफ जिए, क्यों? इतना बड़ा आदमी होके भी इतनी छोटी बात कह दी तूने ऋषि, सोच तूने आज तक क्या क्या नहीं किया शबाना के लिए, मुझ पर हाथ तक उठाया यार। मैंने क्या किया? जो तूने किया उसका मोल तो शबाना भी नहीं चुका सकता। मैंने, मुझे पूरा यकीन है कार्तिक कि तुम और शबाना जहां भी रहोगे खुश रहोगे। नहीं ऋषि, मुझे पूरा यकीन है कि तुम शबाना को जहां भी रखोगे खुश रखोगे। ओके देखा, तुम दोनों भी कंफ्यूज हो गए ना? बहुत। मैं तो ये आपको थैंक यू करने के लिए आई थी कि भागने के बजाय आप दोनों अपना प्यार का एग्जाम दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं, वो हमारी ले रहा है। क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं क्या लेके आई, खीर मैं खुद बना के लेके आई। कल पैजेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे पता है
कि वो रिया सबके सामने मेरा इंसल्ट करेगी कि उसने कितने फिल्म साइन किए हैं, कितने एंडोर्समेंट साइन किए हैं। और शबाना, तुमने क्या साइन किया? छोड़ो, मैं नहीं जाने वाली। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Yes, you must go and you must speak the truth. हाँ, यही कि तुम्हारी शादी हो रही है। किसके साथ? ऋषि से। How sweet. लेकिन ये डिसीजन तो चाचा जान ही लेंगे। तुम दोनों ने बस जी जान से मेहनत करना, ओके? मेहनत कहाँ करनी है मैं बताता हूँ। चाचा शबाना के हार का बदला लेना चाहिए, इसलिए तुम्हें आज किसी को किडनैप करना है बस। किडनैप? किसका? रिया, रिया दीक्षित लड़की का नाम है बे, समझे? गाड़ी ऑन रखना, पेट्रोल महंगा है, समझे? वेरी गुड, मुंह खुला और आंखें बंद। अरे अंधी के स्कूल में आए हो तो अंधा तो दिखना चाहिए कम से कम। कुछ देखना सुनना नहीं, सिर्फ समझना। अरे यार, हम लोग किडनैपिंग कैसे करेंगे यार, ये मुन्ना तो पागल हो गया है। अबे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा, वरना बिट्टू है ना, बिट्टू फोटो निकाल देगा अपनी फोटो। दीमा सीमा, हम हैं यहाँ नवयुग ब्लाइंड स्कूल की 50वीं सालगिरह पर, जहाँ पर पैराडाइम एंटरटेनमेंट की ब्यूटी क्वीन शबाना रजा ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। अचानक इतना बड़ा निर्णय लेने की क्या वजह है? क्या इस खबर में ब्यूटी पेजेंट के अंदरूनी पॉलिटिक्स का असर है? दीदी, टॉयलेट कहाँ है? अच्छा, एक मिनट, मैं लेके जाती हूँ, रुको। थैंक यू दीदी, का ख्याल रखना। आप कितनी अच्छी हो। चलो, आपको भी जाना है? चलो भैया, साथ में चलो। हेलो गॉर्जियस, तुम दोनों यहाँ? Where have you guys been यार? हम लोग एक्चुअली थोड़े से बिजी हो गए थे, We just came here to congratulate you. Congratulations my ass. Contact मैं जीती हूँ और फोटो उसका। देखो, हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है, जिसकी वजह से हर जगह बस तुम्हारे फोटो छप सकते हैं। Oh really? कैसे? कॉन्टेस्ट के बाद किसी ने रिया को किडनैप कर लिया। सोचो, समझो। What? Rubbish. Not rubbish. Now think. Media frenzy. Channels. Newspapers. Sympathy. Page 3. Page 1. Exactly. Think, think, think. सोचो. You'll be all over. Hey, अरे 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 तुमको लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? पता नहीं, लेकिन हमारा काम तो हो गया। हाँ, what do you mean? हमें तुम्हें किडनैप करना था, सो कर लिया। किडनैप? क्या? हाँ, पहले हम लोग किडनैप हुए, अब तुम। वेलकम। लेकिन मुझे किडनैप किया क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं होगी तो तुम्हारी जगह इंटरनेशनल पेजेंट के लिए शबाना जा सके, इसलिए। समझी? चुपचाप बैठिए।